हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अपन ने क्वांटम मैकेनिक्स में स्टीफन लॉ को डिस्कस कर लिया था, उसके बाद में आज अपने को जो नियम डिस्कस करना है वो रेले जीन्स का नियम है। रेले तथा जीन्स दो अलग अलग साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने एक क्वांटम यांत्रिकी से संबंधित एक नियम दिया, वो अपन हेडिंग डालो रेले तथा जीन्स का नियम। रेले तथा जीन्स का नियम क्या कहता है, क्या इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया था? इन्होंने सीधा एक एनर्जी का रिलेशनशिप उठाया था बीच में, एक स्वतंत्रता की कोटियों से संबंधित ऊर्जा का समविभाजन का नियम है, वहाँ एनर्जी और लेमडा में एक रिलेशन से संबंधित एक इक्वेशन उठाई थी सीधी। क्या कहा था? क्लासिकल मैकेनिक्स के ऊर्जा के समविभाजन नियम का उपयोग कर ई लेमडा तथा लेमडा में रिलेशन दिया, e lambda d lambda is equal to 8 pi kt lambda minus 4 d lambda, और d lambda lim lambda क्या है, कॉमन है तो दोनों साइड से हट जाएगा। e lambda is equal to क्या हो जाएगा, 8 pi kt, इसकी बीच की इंटरमीडिएट स्टेप अपन लिख सकते हैं कि e lambda is equal to अपने पास में क्या आ जाएगा, 8 pi kt lambda minus 4। अब minus 4 नीचे जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, और अपने पास में क्या रिलेशनशिप आ जाएगा, e lambda is equal to 8 pi kt upon में lambda 4। यहाँ पर K क्या है, ये जो K है वो बोल्ट्जमान स्थिरांक है, क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट या बोल्ट्जमान स्थिरांक यहाँ पर K है। KT एवरेज एनर्जी आप मान सकते हो। अब यहाँ पर E लेमडा है, यहाँ पर इससे एक रिलेशनशिप निकल के आता है, देखो एट क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू, पाई क्या है, कांस्टेंट, K क्या है, कांस्टेंट, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर कांस्टेंट, तो ये सारी कांस्टेंट हैं, तो इसका मतलब अपने पास में ये सिचुएशन आ गई कि ए लेमडा इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेमडा 4। तो क्या बोलेंगे कि ई लेमडा तरंग दैर्ध्य की चौथी घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इसके लेमडा 4 के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो चौथी घात हो गई है, फोर्थ वैलेंसी ऑफ फोर्थ पावर ऑफ लेमडा। ई लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल और रेसिप्रोकल ऑफ फोर्थ पावर ऑफ लेमडा। ठीक है, अब अपन प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत से संबंधित बात करते हैं कि प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत क्या कहता है। प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत पॉइंट टू पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे। देखो फोटोन और क्वांटा से अपन जानते हैं, एनर्जी को या फोटोन की एनर्जी को इसमें कंसिडर किया गया है। अब बहुत यूनिवर्सल एक इक्वेशन है, इज इक्वल टू एच न्यू, वो दिया गया है, वो इंटीजर्स के लिए भी एन एच न्यू की फॉर्म में दी गई है। देखो वन बाय वन स्टेप वाइज स्टेप अपन इसकी बात करते हैं, प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत की, इसको प्लैंक का विकिरण नियम भी कहते हैं, इसे प्लैंक का विकिरण नियम भी कहा जाता है, इसे प्लैंक का विकिरण नियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्लैंक का विकिरण नियम भी इसको कहा जाता है, प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत, इसे प्लैंक का विकिरण नियम भी कहा जाता है। अब ये है क्या, इस नियम के अनुसार पहले अपने स्टेटमेंट लिख लें, इसके ब्लैक बॉडी से ही ये बताया गया है रेले जीन्स के नियम के बेस पर, कि इसके अनुसार ब्लैक बॉडी द्वारा यहां
या ब्लैक बॉडी द्वारा उत्सर्जित जो रेडिएशन है उन्हें ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं, कि ब्लैक बॉडी रेडिएशंस का उत्सर्जन, क्योंकि अपने पढ़ा है कि ब्लैक बॉडी है उसको जब कोई हीटेड पिंड होता है एक टेम्परेचर से, अगर अपन टेम्परेचर दें और यहाँ पर हीट सेचुरेटेड पिंड है, वो क्या होगा जब ठंडा होगा तो इससे क्या होगा, रेडिएशन इमिट होंगी, इनको अपन क्या बोलेंगे। अब ये रेडिएशन कंटिन्यूस होती है कि डिसकंटिन्यूस, इस पे विशेष फोकस किया था प्लैंक ने। उन्होंने ये कहा कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन है इसका उत्सर्जन कंटिन्यूस निरंतर नहीं होता है, कंटिन्यूस नहीं होकर डिस्क्रीट होता है, कंटिन्यूस नहीं होकर डिस्क्रीट विविक्त छोटे छोटे बंडल में होता है, डिस्क्रीट होता है। डिस्क्रीट होने का मतलब क्या है कि एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होता है, अर्थात ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होता है। और ये बात ही अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पर लागू होती है, वहां पर भी एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में अलग अलग रीजन बने हुए होते हैं। इन एनर्जी के इन एनर्जी के पैकेट्स को या बंडल को फोटोन कहते हैं, फोटोन कहते हैं, क्वांटा भी कह सकते हैं अपन, क्वांटा या इनको क्या कहा जाता है, फोटोन कहा जाता है। किनको, एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन से इमिट होने वाली रेडिएशन है इनको। तो ये एनर्जी है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होती है। एनर्जी किसके समानुपाती है, इसके अनुसार फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होती है। और प्रोपोर्शनलिटी का नया अगर साइन हटाते हैं तो एक नया कांस्टेंट आता है जिसको अपन एच प्लांक कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, प्लांक कांस्टेंट। ई यहां पर क्या है, क्वांटम एनर्जी है। देखो क्वांटम और क्वांटा में फर्क है, ये प्लूरल और सिंगुलर को बताता है, क्वांटम एक के लिए और क्वांटा बहुत सारों के लिए। ये क्वांटम ऊर्जा है, जो फोटोन है उसकी ऊर्जा है ये। एच प्लांक कांस्टेंट अपन जानते हैं, एच प्लांक स्थिरांक है जिसका मान कितना होता है, 6.625 × 10⁻²⁷ अर्ग सेकंड। एच प्लांक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.625 या 26 भी कह सकते हैं, × 10⁻²⁷ अर्ग सेकंड होती है। और जूल में अगर आप लेना चाहो तो ये 34 हो जाएगा, सीधी सी बात है, क्योंकि 10⁻¹ अर्ग 1 जूल = 10⁻¹⁷ अर्ग होता है ना, इसलिए इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। ये प्लांक ने एनर्जी का एक्सप्रेशन दिया था। अब देखो यहां पर अपन अगर मान लो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें, तो इक्वेशन फर्स्ट किसको रिप्रेजेंट करता है, मैं यहां पर लिखूंगा समीकरण एक, विकिरण का क्वांटम सिद्धांत कहलाता है, विकिरण का क्वांटम सिद्धांत है कि जो क्वांटा या फोटोन होता है उसकी एनर्जी किसके बराबर होती है, एच न्यू के बराबर होती है। तभी अपन फोटोन को एच न्यू लिखते हैं, कॉपी कर लीजिएगा इसको फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अपन ओसिलेशन से संबंधित, जो
जो ब्लैक बॉडी होती है, कर्सनिका होती है, उसमें ओसिलेशन होते हैं, और प्रत्येक ओसिलेशन या दोलन होता है उससे एनर्जी जुड़ी हुई होती है, और अपने को पता है एनर्जी फ्रिक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है, तो वो निश्चित रूप से किससे जुड़ी होगी, आवृत्ति से। ठीक है, तो इस बात को अपन कैसे लिख सकते हैं, यहां पर अपन इसकी बात करेंगे कि प्लैंक के अनुसार जो स्टेटमेंट अपन देंगे वो प्लैंक के स्टेटमेंट की बात करेंगे कि प्लैंक के अनुसार ब्लैक बॉडी में या ब्लैक बॉडी ओसिलेशन को दोलन बोल सकते हैं अपन, है ना, कि ब्लैक बॉडी उस दोलनों से, कह लो जी आप, दोलनों से मिलकर बनती है या दोलन होते हैं की बात है, तथा प्रत्येक दोलन की प्रत्येक दोलन है उसकी क्या होगी, निश्चित फ्रीक्वेंसी होगी या आवृत्ति होगी, प्रत्येक दोलन की निश्चित आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी निश्चित होगी। अब एक बात बताऊं, फ्रीक्वेंसी होगी इसका मतलब एनर्जी होगी, और प्रत्येक दोलन पर एनर्जी के मान में वेरिएशन की जहां तक बात करें अपन, तो वेरिएशन बहुत ज्यादा नहीं आता, तो इसके लिए भी अपन कह सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी, भाई कोई ना कोई, अपने को पता है एनर्जी और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, इस वजह से फ्रीक्वेंसी होगी प्रत्येक दोलन से संबंधित, तो ऊर्जा भी होगी, तो प्रत्येक दोलन की ऊर्जा हर दोलन पे बदलेगी नहीं, वो क्या रहेगी, निश्चित रहेगी, तो अपन क्या बोलेंगे, प्रत्येक दोलन से संबंधित, प्रत्येक दोलन से संबंधित ऊर्जा, प्रत्येक दोलन से संबंधित ऊर्जा निश्चित रहती है, सर्टेन रहेगी, निश्चित होगी, अब निश्चित रहती है, निश्चित रहने का मतलब अपन इसको ये भी कहेंगे, तथा कंटिन्यूअस होती है, डिस्क्रीट नहीं होती है, तथा कंटिन्यूअस होती है, क्या बोलेंगे अपन, निश्चित होती है, इसको इस तरह से लिखो, थोड़ा सा अपन चेंज करेंगे भाई इसको, क्या कह सकते हैं, संबंधित ऊर्जा निश्चित होती है, आगे देखो इसमें ये ऐड कर लो कि इस ऊर्जा के इसको इस तरह से नहीं लिख सकते, इस ऊर्जा के रूप में उत्सर्जन, हाँ इस ऊर्जा के रूप में उत्सर्जन या तो फोटोन के रूप में, इस ऊर्जा का उत्सर्जन लिखो, इस ऊर्जा का उत्सर्जन या तो फोटोन के रूप में अथवा फोटोन के रूप में यानी एनर्जी एच न्यू की फॉर्म में रिलीज होगी या किस फॉर्म में रहेगी, अथवा इसके पूर्ण गुणज के रूप में होगी, पूर्ण गुणज के रूप में होगी,
कहने का मतलब सिर्फ ये घुमा फिराकर एक ही बात कर रहा है कि प्रत्येक फोटोन से संबंधित जो ऊर्जा है वो एच न्यू के बराबर होती है। अब ई इज इक्वल टू एच न्यू अपन ने लिखा है, गुणज का मतलब है कि यहाँ पर एन हो सकता है और एन की वैल्यू कोई भी पूर्णांक हो सकती है, 0, 1, 2, 3 कितना भी हो सकता है ना, इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में होती है। तो ई इज इक्वल टू अपने पास में क्या हो जाएगी, एन एच न्यू हो जाएगी और एन की वैल्यू क्या हो सकती है, 0, 1, 2 कुछ भी हो सकती है यहाँ पर, 0, 1, 2, 3 कुछ भी, डेस 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 कितना ही लिखो चाहे आप। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, इसने एक एक्सप्रेशन दिया था एनर्जी का वो बताते हैं अपन। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत विकिरणों में ऊर्जा के वितरण को निम्न प्रकार बताता है, ऊर्जा के वितरण का मतलब एनर्जी ही बता रहा है वो, निम्न प्रकार बताता है, एनर्जी की टर्म बताइए इसने, क्या ई लेमडा इज इक्वल टू 8 पाई एच सी अपॉन में लेमडा 5 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल एच सी अपॉन में के टी लेमडा माइनस 1 के टी लेमडा माइनस 1 ये फॉर्म बता रहा है, एच सी के टी लेमडा माइनस 1। अब देखो यहां पर एट न्यूमेरिक वैल्यू है, पाई कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है, सी क्या है, एच प्लांक कांस्टेंट है, और सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग है। ये प्लांक का विकिरण नियम है, ये क्या कहलाता है, प्लांक का विकिरण नियम कहलाता है, नोट कर लीजिएगा इसको। ये एक बिगिनिंग मान सकते हैं अपन क्वांटम मैकेनिक्स की। अब क्वांटम मैकेनिक्स की जो एप्लीकेशन आती है वो एप्लीकेशन तो नहीं कह सकते अपन, इस प्लांक का जो क्वांटम सिद्धांत है उसकी एप्लीकेशन के बतौर जो पहला सिद्धांत जो सामने आया वो है प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यहाँ से अपना सिलेबस विधिवत स्टार्ट होता है, ये एक प्रोसेस थी जिसके द्वारा हम यहाँ तक पहुँचे हैं। जैसे ये अपन सबसे पहले बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फिर बात करेंगे अपन कॉम्पटन इफेक्ट, है ना, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी लो, अपन ने इनको पीछे पढ़ा है कि अपन क्वांटम में क्या क्या पढ़ेंगे। तो पहला अपन हेडिंग डालो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ये तो एक अपन कह सकते हैं कि टॉपिक से जुड़ने के लिए चीज़ें अपने को बतानी जरूरी है, बाकी क्वेश्चंस स्टार्ट अपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से ही होते हैं। देखो इसकी बात करते हैं अपन, हेडिंग डालो, इसको पहले अपन ढंग से पढ़ते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव कह लो चाहे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कह लो। देखो प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, इसके बारे में अपन छोटी सी बात करें, कि मान लो ये अपने पास में कोई मेटल की सरफेस है, कोई भी मेटल मान लो इसको, इस मेटल सरफेस में अपन क्या करते हैं, किसी भी फोटोन को अपन इंसिडेंट करवाते हैं, मेटल सरफेस पे कौन आता है, फोटोन। अब अपने को पता है मेटल है वो इसमें बहुत सारे एटम होते हैं, और एटम होते हैं तो निश्चित रूप से इसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो अगर यहाँ से एच न्यू फोटोन इसकी एनर्जी अपन देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन है वो बहुत सारे एटम है, एटॉमिक फॉर्म में पाया जाएगा इलेक्ट्रॉन, ऐसे थोड़ी पड़े कि कोई ना कोई एटम है, चाहे किसी की भी आप लोग ले हो, कोई भी धातु ले हो
और मुख्य रूप से फोटोइलेक्ट्रिक में जो धातु ली जाती है वो सीजियम मेटल ली जाती है। कौन सी मेटल ली जाती है? सीजियम मेटल। सीजियम मेटल क्यों ली जाती है? ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन ने पढ़ा है कि सीजियम है वो एस ब्लॉक की धातु है, एस ब्लॉक की मेटल है, और ये एस ब्लॉक की मेटल है ये लार्ज साइज की है, सबसे बड़ी साइज की अपन कह सकते हैं धातु है। और सबसे बड़ी साइज होने के कारण नाभिक और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच में काफी दूरी है, काफी दूरी होने के कारण यहाँ पर आकर्षण बल है वो क्या है? वीक या दुर्बल अट्रैक्शन फोर्स है। और दुर्बल होने के कारण अपने को जो एनर्जी लेंगे अपन, जिसको आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं, उसकी वैल्यू बहुत कम होती है। आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू बहुत कम होती है, तो थोड़ी सी एनर्जी देते ही इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? इजेक्ट हो जाता है। थोड़ी सी एनर्जी देते ही इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? इजेक्ट हो जाता है ना, यहां से छोड़कर चला जाता है। अब ये देखो, अब मैंने कहा कि यहां पर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन उपस्थित थोड़ी होते हैं, वो अपनी एटॉमिक फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, एटॉमिक फॉर्म में, कि यहां पर एटम है और यहां पर इलेक्ट्रॉन है। अब जैसे ही अपने फोटोन किस पे डाला है? सरफेस पे डाला है, इसका मतलब यहां पर बहुत सारे एटम है, उन पे भी एनर्जी गई है, उन पे इंसिडेंट हुई है रेडिएशन, तो ये एनर्जी क्या करेगी? इस फोटोन, इस बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में जो आकर्षण बल है उसको ब्रेक करने का, उसको क्रैक करने का, उसको तोड़ने का काम करेगी। और जैसे ये टूट जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहां से क्या हो जाएगा? इजेक्ट हो जाएगा, उत्सर्जित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्सर्जित। अब देखो, उत्सर्जित हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन, मान लो ये इलेक्ट्रॉन अपने एटम से उत्सर्जित हुआ, और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर कहाँ आया? इस सरफेस पे आया। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर कहाँ आया? इस सरफेस पे आया। तो यहां पर इस उत्सर्जित होकर इस सरफेस पर आने के लिए इलेक्ट्रॉन को कुछ कार्य करना पड़ेगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। और वर्क फंक्शन को अपन फाइ से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब एक चीज और देखनी है अपने को, मान लो इसने क्या किया, यहां पर इतनी एनर्जी सप्लाई की, यहां पर अब जो जो फोटोन आया है, फोटोन की इतनी एनर्जी है कि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी और यहां से यहां तक आ गया, ये काम हो गया। अब मान लो यहां से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को इसने एनर्जी ज्यादा दी, तो कुछ एनर्जी तो इसने यहां पर आयनन विभव के रूप में काम में ले ली, एटॉमिक फॉर्म में इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण बल को तोड़कर इसकी सतह पर आ गया, वहां तक वर्क फंक्शन के रूप में काम में ले ली। अब अगर इलेक्ट्रॉन के पास में एनर्जी और बचती है तो इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा? इसके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। इसका मतलब अगर और बचती है तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा, और किस फॉर्म में इजेक्ट हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी जो बची हुई एनर्जी है इसकी। इसको पूरी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। बात करते हैं अपन इसकी हिस्ट्री से लेकर इसके एडवांस लेवल को अपन डिस्कस करते हैं, क्या होता है, कैसे होता है। देखिए, साइंटिस्ट जो है लेनार्ड और थॉमसन, लेनार्ड तथा थॉमसन, इन्होंने सबसे पहले इस ऐसी प्रोसेस को प्रूव किया, इसको सिद्ध किया। क्या कहा? कि किसी धातु की, अब धातु की विशेषता होनी चाहिए अलग अलग, किसी धातु की प्लेट पर, अब आपको पता है जब एनर्जी ये E इज इक्वल टू एच न्यू है, तो अपन ये भी जानते हैं न्यू क्या होता है? सी अपॉन में लेमड़ा होता है, तो एनर्जी की वैल्यू एच सी अपॉन में लेमड़ा है, तो निश्चित रूप से ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। तो किसी रेडिएशन की एनर्जी होगी तो निश्चित रूप से वहां पर कोई ना कोई वेवलेंथ होगी, तो अपन क्या बोलेंगे? किसी धातु की प्लेट पर क्या करते हैं, जब विशिष्ट तरंग दैर्ध्य का प्रकाश, जब विशिष्ट तरंग दैर्ध्य का प्रकाश डाला जाता है, किसी धातु की प्लेट पर जब विशिष्ट तरंग दैर्ध्य का प्रकाश डाला जाता है, लाइट इंसिडेंट करवाई जाती है, तो क्या होता है? तो उसमें से, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन होता है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इमिट होते हैं वहां से,
इस घटना को इन्होंने क्या कहा? इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा। इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा। इसको नोट कर लीजिएगा पहले, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। फोटोन के द्वारा, अगर यहां पर फोटोन अपन डाल रहे हैं और फोटोन के कारण जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है उसको फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इस बात को तो आपको पता है, ये तो नाम से शो हो रहा है, टर्मिनोलॉजी से समझ में आ रहा है अपने को। अब देखो आगे बढ़े अपन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या क्या चीजें होती हैं, वापस से मेरे को एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये मेटल सरफेस है और मैं तो कहूंगा सीजियम मेटल है, ताकि अपने को इस चीज का भी पता चल जाए कि कौन सी मेटल है, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक सेल बनाने में सीजियम मेटल ही काम में ली जाती है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में सीजियम आएगी, है ना। यहां से अपन ने कोई यहां से अपन ने क्या किया, कोई एच न्यू रेडिएशन का फोटोन इंसिडेंट किया, ठीक है, और फोटोन इंसिडेंट किया। यहां अपने पास में ऑब्जेक्ट है कोई इलेक्ट्रॉन, यहां सिर्फ मैं इलेक्ट्रॉन को ही बताऊंगा, लेकिन ये अपने को जाहिर सी बात है, ये बात अपने को समझनी चाहिए, समझ में आती भी है कि ये निश्चित रूप से किस पे इंसिडेंट हुआ है, फोटोन पर हुआ है। अब फोटोन क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा, अगर उसके पास में अतिरिक्त काइनेटिक एनर्जी आएगी, वरना तो इलेक्ट्रॉन यही आएगा, और इसने अतिरिक्त काइनेटिक एनर्जी दे दी जो इसके वर्क फंक्शन के अलावा काम में आ रही है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ इसकी सतह को छोड़ के गया है, इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये अतिरिक्त एनर्जी है, इसको काइनेटिक एनर्जी में काम में ले लिया, ठीक है। तो पहली बात तो अपन ये लिखेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कम आयनन विभव के कारण, सीजियम धातु काम में ली जाती है। समझ में आ गई होगी, क्योंकि सीजियम धातु का आकार बड़ा होता है। अब मान लो छोटे आकार की कोई धातु यहां काम में ली जाती है तो समस्या आती है। कौन सी समस्या आती है, कि ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आसानी से नहीं होता, और आसानी से नहीं होता तो समस्या ही समस्या है कि अपने को जो मान लो फोटोन ने इतनी एनर्जी दी, चाहे वो दृश्य क्षेत्र से विजिबल रीजन से दी हो, चाहे वो यूवी रेडिएशन की दी हो, अगर इतनी एनर्जी दी है तो वहां से इलेक्ट्रॉन क्या नहीं हो पाएगा, इजेक्ट नहीं हो पाएगा, उत्सर्जित नहीं हो पाएगा। आगे बात करें अपन, सीजियम धातु यहां पर यूज होती है, सीजियम मेटल काम में ली जाती है। अनेक प्रयोगों द्वारा अनेक प्रयोगों द्वारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से संबंधित निम्न निष्कर्ष प्राप्त हुए, कौन कौन से कंक्लूजन निकले, देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से संबंधित। पहली बात, कि यहां से फोटोन है
देखो सीधी सी बात है कि यहां से जो निकलेगा कौन, जो इलेक्ट्रॉन इस सतह को छोड़कर जाएगा, वो डिपेंड किस पे करेगा, इस लाइट की इंटेंसिटी क्या है, इस लाइट की तीव्रता कितनी है, उस पे डिपेंड करेगा। तो पहली बात तो अपन क्या लिखेंगे कि धातु सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, धातु सतह से, नहीं, चलो मैं लिखता हूं, धातु सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन किस पे डिपेंड करेगा, आवर्ती पे डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी नहीं, आवर्ती पर। धातु सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, आवर्ती का मतलब है कि 1 सेकंड में कितनी इंसिडेंट हो रही है उस पर। धातु सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन आपतित विकिरण की आवर्ती पर बात कर रहा हूं, ये विशेष विशेष ध्यान रखना, आवर्ती फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। आवर्ती क्या होती है कि 1 सेकंड में कितनी वेव पास होती है उसको अपन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, तो कितनी रेडिएशन इंसिडेंट होती है उसको अपन क्या बोलेंगे, आवर्ती, नंबर ऑफ रेडिएशन। धातु सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन आपतित विकिरण की आवर्ती पर निर्भर करता है, पर तथा धातु की प्रकृति पर भी तो करता है, तथा कि धातु की प्रकृति का मतलब धातु छोटी साइज है कि बड़ी साइज है, यानी वो ज्यादा है कि कम, धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रकृति पर निर्भर करता है। धातु सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन आपतित विकिरण की आवृत्ति पर तथा धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है। पहला कॉन्क्लूजन, पहला निष्कर्ष तो ये निकाला, इसमें कॉपी कर लीजिएगा आप। अब एक बात बताओ, धातु की प्रकृति तो अपन ने बता दी है ना, धातु की प्रकृति का मतलब जैसे हो सकता है धातुएं छोटी हो, जैसे मैं बात करता हूं लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, ज्यादातर सीजियम काम में लेते हैं है ना। और विद्युत चुंबकीय तरंगों के भाग अपने को पता है, ये रेडियो वेव है, ये माइक्रोवेव है, ये IR है, ये UV है, ये विजिबल है सब। अब एक बात बताओ, जैसे मैं कह रहा हूं कि सीजियम है, सीजियम का आकार क्या है, बड़ा, और इधर से इधर जाने पर ऊर्जा बढ़ती है अपने को पता है, और सीजियम का आकार बड़ा होने के कारण इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से उत्सर्जित हो जाएगा। लेकिन मान लो कोई धातु क्या आ गई, आकार छोटे आकार वाली आ गई, तो वहां तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण बल से, प्रबल आकर्षण बल से बंधित रहेगा, प्रबल आकर्षण बल से बंधित रहेगा। तो जिस एनर्जी से यहाँ पर सीजियम में इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, बाकी धातु, जैसे पोटेशियम की बात करूं मैं, तो पोटेशियम का आकार तो क्या है, सीजियम की तुलना में छोटा आकार है, और आकार छोटा है तो नाभिक के पास में इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेगा, तो प्रबल आकर्षण बल से आबंधित रहेगा, और प्रबल आकर्षण बल से आबंधित रहेगा तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अपने को एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी तो अपने को, मान लो यूवी रीजन से हो रहा था, सीजियम में इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन यूवी रीजन से हो रहा है, अब यूवी रीजन से हो रहा था लेकिन पोटेशियम में यूवी रीजन से थोड़ा होगा, अपने को क्या बढ़ानी पड़ेगी, एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी, क्या बढ़ानी पड़ेगी, एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी। तो ये दृश्य क्षेत्र से हो जाता है, नोट कर लो इसको। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट बात करें कि ये कंक्लूजन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव इंस्टेंट होता है, तात्क्षणिक होता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव तात्क्षणिक होता है, इंस्टेंट, इंस्टेंट होने का मतलब है ये नहीं, इसमें टाइम नहीं लगता है। जैसे धातु की सतह पर इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट हुए, इलेक्ट्रॉन गिरे, इलेक्ट्रॉन गिरते ही क्या हो जाएगा, निश्चित सी बात है, इलेक्ट्रॉन गिरते ही क्या होना है, इलेक्ट्रॉन सॉरी फोटोन गिरते ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होगा, ये नहीं होगा कि फोटोन गिरा है फिर टाइम लगेगा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होने में, तो क्या इंस्टेंट होता है, अर्थात फोटोन धातु सतह पर फोटोन धातु सतह पर
आपतित होते ही इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो जाता है, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस इंस्टेंटली। प्रकाश विद्युत प्रभाव इंस्टेंट होता है, अर्थात फोटोन धातु स्तर पर आपतित होते ही इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है, उत्सर्जन या इमिशन हो जाता है। फिर बात करते हैं, देखो आगे। अब आगे क्या होगा, क्या संभावनाएं बनती है। इकाई समय में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इकाई समय में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कि जैसे यूनिट टाइम दे दिया कि इस पर्टिकुलर टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, ये किस पे डिपेंड कर सकता है, आपतित प्रकाश इंसिडेंट लाइट की तीव्रता पर डिपेंड करता है। आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है कि किस इंटेंसिटी की लाइट अपन प्रोवाइड करवाते हैं, उस हिसाब से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इजेक्ट होंगे। अब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने के बाद में उसकी क्या वेवलेंथ, किस एनर्जी, किसके समानुपाती होती है, उसकी बात भी अपन करेंगे कि इकाई समय में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या आपतित प्रकाश की तीव्रता इंसिडेंट लाइट जो फोटोन अपन डालते हैं उसकी तीव्रता पे डिपेंड करेगी। अगर मान लो यहां पर अपन ने देखा कि इलेक्ट्रॉन को उसके नाभिक के आकर्षण बल को तोड़कर सतह पर आया है इलेक्ट्रॉन, उसके बाद में अतिरिक्त काइनेटिक एनर्जी मिली है, तो उसके बाद की बात करेंगे अपन कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा अब ये किस पे डिपेंड करेगी, आपतित प्रकाश की आवृत्ति, ये अपने स्टार्टिंग में ले लिया था, आपतित प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती होती है। आपतित प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती होती है उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती होती है। गतिज ऊर्जा का मान प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता, ये कह सकते हैं गतिज ऊर्जा का मान प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती होती है, गतिज ऊर्जा का मान प्रकाश की तीव्रता पर डिपेंड नहीं करता, इसकी इंटेंसिटी पर किसी तरह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं करता है। ठीक है, अब इसका क्लेरिफिकेशन या इसकी स्पष्टीकरण की बात करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।